मुंबई का कपल चोर रॉनी और सोनिया दोनों एक बार ज्वेलरी शॉप लूटने पहुंच जाते हैं। ज्वेलरी शॉप का शटर लगा हुआ था, शटर लॉक्ड था और ताला काफी डिफिकल्ट लग रहा था। रॉनी अपने पिटारे में से 3 चाबियां निकालता है। अब इनमें से एक चाबी उस ताले में लग जाएगी, अगर गलत चाबी लगाई तो सायरन बज जाएगा। सोचिए और मुझे बताइए तीनों में से कौन सी चाबी लगेगी ताले में, ए बी या सी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरी चाबी ताले की है, तीसरे में ये लोअर लाइन मिसिंग है और चाबी हम घुमा के लगाते हैं तो पहली चाबी जब घुमाएंगे तो अंदर ही नहीं जाएगी। दोनों ज्वेलरी शॉप का कांच तोड़ते हैं और बहुत सारी ज्वेलरी लेके निकल जाते हैं। क्राइम सीन पे डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर मैंने ही आपको और पुलिस को फोन करके बुलाया, मैं वॉशरूम गया था तब यहाँ चोरी हुई। मेहुल उससे कहता है कि तुमने भी चोरी की है। ऐसा क्यों लगा मेहुल को, क्या आप क्राइम सीन को देख के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि सिक्योरिटी गार्ड ने भी चोरी की है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कपल चोर ने लेजर की मदद से कांच तोड़ा था। उनके तोड़े हुए मार्क्स देखिए, एकदम सर्कल है, लेकिन ये वाला मार्क देखिए जैसे इसे किसी चीज से तोड़ा है। उससे मेहुल समझ जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने भी हाथ साफ कर लिए। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेती है। मेहुल दोनों कपल चोर का पीछा करता है। मेहुल एक बैंक के पार्किंग में पहुंच जाता है। उसे वहां 3 कार्स दिखती है। क्या आप तीनों कार्स को देख के बता सकते हैं कपल चोर की कार कौन सी होगी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नीचे काफी मड़ी है, मतलब पैरों के निशान आएंगे। पहली कार के पास कोई निशान नहीं है और कार में हल्की सी धूल भी है, मतलब ये कार काफी टाइम से खड़ी है। दूसरी कार के पास सिर्फ एक पैर के निशान है, वो भी ड्राइविंग साइड के, मतलब इसमें कोई एक जन ही ट्रैवल किया होगा। लेकिन तीसरे कार में दोनों साइड पैरों के निशान है, मतलब कपल चोर इसी कार में आए हैं। मेहुल कार की हवा निकाल देता है और वही उनका वेट करने लगता है। वहीं कपल चोर बैंक की तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप तिजोरी को देख के इसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। जैसे फर्स्ट में 3 + 2 = 5 हो जाएगा और 5 - 1 = 4 हो जाएगा। सेकेंड में 4 + 5 = 9 हो जाएगा और 9 - 1 = 8 हो जाएगा। तो कोड के लिए 9 + 3 = 12 होगा और -4 = 8 हो जाएगा। सोनिया कोड 8 प्रेस करती है तो लॉकर खुल जाता है। वहां से पूरा कैश लेके वो अपनी कार में बैठते हैं और निकलने लगते हैं। तभी मेहुल का ध्यान उन पे जाता है। मेहुल कंफ्यूज हो जाता है और समझ जाता है कि कपल चोर बहुत स्मार्ट है। वो चोरी करने आते अलग कार से है और भागते दूसरी कार में है। मेहुल अपनी कार देखता है तो वो पंचर रहती है। कपल चोर मेहुल को चकमा देके भाग जाते हैं। कपल चोर के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नेहा विंडो के पास वाले टेबल पे पैसे रख के बाहर जाती है। वो वापस आती है तो उसके पैसे वहां से मिसिंग होते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोनों नेबर से पूछताछ करने जाती है। पहले श्याम के यहाँ जाती है तो श्याम कहता है, मैं तो सुबह से सो रहा था, कोई आवाज नहीं सुनी। हाँ बारिश की आवाज सुनी थी 1 घंटे पहले, लेकिन वो तो बंद हो गई थी। फिर रमेश के घर जाती है। रमेश कहता है, मैं तो सुबह से घर पे टीवी देख रहा था, बारिश की वजह से यहाँ पानी भर गया है तो इसे क्लीन कर रहा हूँ। नेहा तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे और कौन, क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। झूठ रमेश बोल रहा है। अगर वो सुबह से घर पे था तो बारिश की आवाज उसे भी आई होगी, उसने विंडो बंद क्यों नहीं की? और बारिश तो 1 घंटे पहले बंद हो गई थी तो उसने पानी अभी तक साफ क्यों नहीं किया? और उसने शूज भी पहने हुए हैं, मतलब वो बाहर से आया है। रमेश झूठ बोल रहा है, उसी ने चोरी की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
मिस्टर शाह को डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था। डिटेक्टिव मेहुल के बुक्स वो काफी पढ़ते थे। एक दिन जब वो बुक पढ़ रहे थे तभी कोई रूम में आया और उसके साथ उनका झगड़ा हुआ। उसने मिस्टर शाह को सर पे मारा और उनको किडनैप कर लिया। मेड ने कॉल करके तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंचता है तो उसे टेबल पे एक पेपर मिलता है जिसपे लिखा हुआ था 719। मेहुल घर के तीनों लोगों से पूछताछ करता है। वाइफ कहती है, मैं तो सुबह से अपने रूम में थी, उनके स्टडी रूम में गई नहीं हूँ। मेड कहती है, मैं चाय देने के लिए सर के रूम में गई तो सर मिसिंग थे और उनकी बुक खुली पड़ी थी। सन कहता है, मैं तो मेरे डैड से बात ही नहीं करता हूँ तो मैं उनके रूम में जाता भी नहीं हूँ। क्या आप तीनों की बातें सुन के बता सकते हैं किसने किडनैप किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्लू में लिखा हुआ है 719। 7 का S, 1 का O और 9 का N बन जाएगा सन। मेहुल ये क्लू समझ जाता है और सन को पकड़ लेता है। वो मिस्टर शाह का एड्रेस बताता है और मेहुल मिस्टर शाह को आजाद कर देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रिया खजाने की खोज में आगे बढ़ रही थी, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी। चारों तरफ स्नो ही स्नो था। रिया को आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। रिया मैप देखती है तो उसे मैप में तीन रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता भूल भुलैया जैसा है, बहुत लोग उस रास्ते से आगे गए हैं लेकिन उन रास्तों में खो जाते हैं। दूसरे रास्ते में बहुत बड़ी नदी है और नदी में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं। इन क्रोकोडाइल्स के वजह से नदी पार करना बहुत मुश्किल है। तीसरे रास्ते में दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स हैं जिनको चढ़ के क्रॉस करना नामुमकिन है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगी रिया। 2 या 3, सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। स्नो पड़ रही है, चारों तरफ स्नो ही स्नो है, मतलब नदी का पानी भी जम गया होगा, तो ये रास्ता रिया के लिए बेस्ट रहेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर मेहरा की डेड बॉडी उनके घर के गार्डन में मिलती है। लगता है मिस्टर मेहरा बारबेक्यू कर रहे थे तब उनकी डेथ हो गई। क्राइम सीन पे डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। मेहुल तीन लोगों से पूछताछ करता है। वाइफ कहती है, सर मुझे लगता है शर्मा जी ने मारा है इन्हें। ये देखिए गार्डन में मुझे उनका शू मिला है। शर्मा जी कहते हैं, सर मैं कल यहाँ आया था, थोड़ी पी ली थी तो शू रह गया होगा। आज तो मैं सुबह से बाहर था, अभी यहाँ आया हूँ। ये देखिए मैंने शू भी पहने हुए हैं। एक मिनट सर, ये देखिए सर, बारबेक्यू में मुझे इयररिंग मिली है और ये इनकी वाइफ की इयररिंग है। मेड कहती है, सर मैं तो अंदर ही थी, कोई आवाज भी नहीं सुनी, मुझे कुछ नहीं पता है। क्या आप तीनों की बातें सुन के बता सकते हैं खून किसने किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून शर्मा जी ने किया है। अगर वो अभी यहाँ आए हैं तो उन्हें कैसे पता है कि बारबेक्यू ठंडा है? जो उन्होंने तुरंत हाथ अंदर डाल के इयररिंग बाहर निकाल लिया, उन्होंने वाइफ को फंसाने का प्लान किया। उन्हें एग्जैक्टली पता था कि इयररिंग कहाँ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राज का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से देखता है तो उसे कुछ क्लूज मिलते हैं। लगता है इस विंडो से कूदकर मर्डरर आया था और मर्डर किया और यहीं से भाग गया। घर पे उस टाइम चार लोग थे। मेहुल चारों से पूछताछ करता है। मेड कहती है, सर मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। कुक कहता है, सर मैं तो सुबह से किचन में ही था, खाना बना रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। सना राज की बेटी, वो कहती है, मुझे भी कुछ नहीं पता है, मुझे भी पापा के खून के बारे में कुछ नहीं पता है। वाइफ कहती है, सर मैं तो टेरेस में एक्सरसाइज कर रही थी, मुझे भी कुछ नहीं पता है। चारों की बातें सुन के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून वाइफ ने किया है। राज के रूम के पैरों के निशान को देखिए, वो शूज के हैं और इन चारों में बस वाइफ ने शूज पहन रखे हैं। वो खिड़की से आई, मर्डर की और वापस वहीं से भाग गई। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दो औरतें पिज्जा खा रही है। क्या आप दोनों को देख के बता सकते हैं कौन मूर्ख है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। Thank you.
और इसमें बी मूर्ख है। पिज्जा कोई चम्मच और फोक से नहीं खाता है। ऐसी और इंटरेस्टिंग पहेलियों के लिए आप मेरा चैनल डिटेक्टिव मेहुल भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। थैंक यू।